दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी फोटो का ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड इरेज कैसे चेंज कर सकते हो। इस वीडियो का टाइटल ये यही है गाइज, बेस्ट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। इस वीडियो में मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि इस वीडियो में मतलब पूरा का पूरा मैंने इस एप्लीकेशन का रिव्यू भी किया है, क्योंकि गाइज ये एप्लीकेशन इतनी कमाल की है ना, इस एप्लीकेशन के मदद से आप ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेज तो कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरनेट की भी कोई भी जरूरत नहीं है। ऑफलाइन ये पूरा का पूरा मतलब आपका बैकग्राउंड इरेज कर देगा, ट्रस्ट में गाइज इरेज कर सकते हो वो भी फुली ऑटोमेटिक। दोस्तों आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जिन एप्लीकेशन मदद से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड इरेजर ही ले लो, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते। तो यार ये एप्लीकेशन उनमें एप्लीकेशन से बहुत ही अलग है, मतलब इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन, द बेस्ट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी है गाइज, मतलब अगर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करोगे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर तो आपको भी बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, लेकिन इस एप्लीकेशन का काम ये है कि वो बिना इंटरनेट के आपका पूरा का पूरा मतलब फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर देता है, वो भी बड़े आसानी से, मतलब एक ही सेकंड में मतलब आपका पूरा का पूरा फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो जाता है। तो ये ट्रिक मतलब एप्लीकेशन आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन में गाइज ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेज नहीं होता है, आपको मैन्युअली मतलब करना पड़ता है। बहुत सारे इरेजिंग के फीचर होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर का मतलब मजा जो है वो अलग ही होता है, आपका टाइम बहुत सेव हो सकता है इस एप्लीकेशन की मदद से। आप प्ले स्टोर भी सर्च भी कर सकते हो कि मतलब ऑफलाइन ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इरेजर, तो ऐसे बहुत सारे कम एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको इंटरनेट की भी जरूरत होती है, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको इंटरनेट की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल मतलब ऑफलाइन आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है गाइस, मुझे एप्लीकेशन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मतलब अगर आपको यूट्यूबर हो तो यार थंबनेल बनाने के लिए आपका बैकग्राउंड इरेजर होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस होता है बैकग्राउंड इरेज करना थंबनेल पे, मतलब बहुत सारा आपका टाइम भी सेव हो जाता है इस एप्लीकेशन की मदद से। बाकी दूसरे एप्लीकेशन में गाइस आपको बहुत टाइम भी लगता है किसी भी फोटो को इरेज करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू बताने वाले हो कि आप कैसे इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी अपने फोटो का बैकग्राउंड इरेज कैसे मतलब इरेज कर सकते हो किसी भी अपने फोटो का बैकग्राउंड। तो गाइज मेरा नाम है चैतन्य और आप देख रहे हैं सुपर ब्रोटेक यूट्यूब चैनल। प्लीज चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज, हाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यार यहाँ पे मैं प्लस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देने के बाद आपके सभी फोटोज यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एक फोटो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे फोटो को क्लिक करूंगा आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो मेरा एरोप्लेन मोड चालू है, मतलब मेरा इंटरनेट ही ऑफ है। यहाँ पे मैं इस मेरे फोटो को क्लिक कर देता हूँ, विद इन अ सेकंड गाइज बड़े आसान तरीके से पूरा का पूरा फोटो का बैकग्राउंड ही इरेज हो जाएगा, ट्रस्ट में यहाँ पे हो चुका है गाइज। मुझे बताया आप लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आ गई होगी, इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशन है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि गाइज मेरा टाइम से बहुत सेव हो चुका है गाइज, और सेकंड ये चीज़ है कि बहुत एक्यूरेट मतलब इस एप्लीकेशन ने पूरा का पूरा ऑटोमेटिक मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर दिया है, मतलब आपको कोई भी जरूरत नहीं मैन्युअली करने की। मेरा बाल देखिए गाइज, मेरा बाल इधर से उधर भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई इस एप्लीकेशन से, बिल्कुल 100% ऑफलाइन है गाइज। यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिया है, एरोप्लेन मोड पे मेरा फोन है, तो यार देख सकते हो आप ऑफलाइन मतलब ऑटोमेटिकली कितना एक्यूरेटली उसने मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर दिया है। तो इस एप्लीकेशन की खासियत यही गाइज, ऑफलाइन भी हो जाता है और एक्यूरेट भी हो जाता है और ऑटोमेटिक भी हो जाता है। तो यार ये सभी फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप शेप भी देख सकते हो, यहाँ पे आप शेप भी ऐड कर सकते हो कोई भी, यहाँ पे आप कटआउट भी यहाँ पे मतलब चेंज कर सकते हो जो कुछ आपको कटआउट चाहिए वो भी, और उसी के साथ साथ आप ये फीचर का भी यूज करते हो, जैसे आप यहाँ पे डिग्री भी मतलब सब कुछ यहाँ पे आप साइज इरेजर की साइज तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन में चेंज कर सकते हो, लेकिन इस एप्लीकेशन में जो फीचर्स की लेवल है गाइज वो बहुत अच्छी है गाइज। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट भी मतलब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा फीचर है गाइज। अगर आप कुछ मैन्युअली भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो बस बाकी का काम तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे यही था इस वीडियो में, मतलब यार ये वीडियो बहुत ही यूजफुल था अगर आप कोई मतलब बैकग्राउंड इरेजर या फिर फोटो एडिटिंग का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे काम हो जाता है तो बड़े आसान तरीके से इस एप्लीकेशन के अगर आपके पास ये एप्लीकेशन हो ना तो आप बड़े आसान तरीके से किसी भी फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बस यही था इस वीडियो में, अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करो या फिर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सजेशन पर काम करूँ और आपके सजेशन पर कोई वीडियो बनाऊँ। तो यार बस यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं होता प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे एक नॉलेजेबल वीडियो चाहते तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है गाइस। बस यही था इस वीडियो में, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।